नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। हमसे बोला गया कि यहाँ पर इस तीन केस दे रखे हैं कि एक बार हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय बताओ, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो हमारे पास चार चीजें यहाँ पर, ट्री है, बॉय है, ओल्ड मैन है और बर्ड है। ठीक, बर्ड की कुछ इस टाइप से वेलोसिटी दे रखी है अपने को। तो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का उसका कंपोनेंट निकाल लिया, कितना 16, अपवर्ड में कितना है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो बॉय की जगह अपने आप को फिल करो। ठीक है, सपोज मान लो कि आप हो वहां पर और आप 16 मीटर पर सेकंड से ऐसे जॉगिंग कर रहे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे मान लेते हैं। ठीक, तो यहां अगर आप देखेंगे तो आपको जो ट्री है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, पीछे की तरफ। ठीक, ये वही केस हुआ जब आप ट्रेन के अंदर हो और ट्रेन के बाहर से अगर आप किसी पोल को देखते हो, चलती हुई ट्रेन से अगर आप किसी बाहर पोल को देखते हो या ट्री को देखते हो, तो आपको आपकी अपोजिट डायरेक्शन में दिख जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये बॉय है, ये 16 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये अपन यहाँ पर अगर बात करें बेटा, तो ये हो गई अपने आई कैप, और अगर बैक साइड में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ऊपर के लिए अगर बात करें तो प्लस जे कैप, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। ठीक है, तो अगर अपन यहां पे देखें तो बॉय को जो ट्री दिखेगा वो किस डायरेक्शन में दिखेगा भाई, माइनस आई कैप में जाता हुआ, है ना, ये प्लस आई में जा रहा है, तो इसको जो ट्री दिखेगा वो किधर दिखेगा, माइनस आई कैप में। कितने से भाई, कि जितने से ये मूव कर रहा है, क्योंकि ट्री की जो वेलोसिटी वो क्या है, रेस्ट में। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ठीक है, ऐसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। ठीक, इसको पढ़ते कैसे बेटा, कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो क्या लिखा जाता है, वीटी माइनस VB। ठीक, अब T की बात करें तो ये तो जीरो हो गया ट्री का, और इसके लिए अगर बात करें तो ये 16 किस में है, I में, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 माइनस आई क्या। ठीक है, डायरेक्ट अगर अपन करते हैं तो अपने को समझ में आ रहा है कि अगर हम आई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो ट्री दिखेगा वो किस में दिखेगा, माइनस आई डायरेक्शन में दिखेगा। क्लियर हो गया यहां से। ठीक, तो ऐसे अगर बाकी सबका करते हैं अपन, तो कैसे आएगा कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अब देखो, दोनों x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दोनों की वो सेम है, तो x में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकल में बात करें तो बर्ड जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से। तो यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 12, और वर्टिकल डायरेक्शन क्या है अपने अपवर्ड में, प्लस जे क्या। क्लियर हुआ, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अब भाई साहब ये ऐसे जा रहे हैं 16 मीटर पर सेकंड से, और ओल्ड मैन उसकी तरफ आ रहा है। ठीक, तो जब यहां पर वन डायमेंशनल मोशन होता है और दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती है। और मैं बता देता हूं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन किस डायरेक्शन में बेटा, माइनस आई केयर में, तो माइनस 2 आई केयर, और माइनस, और बॉय की क्या है, 16 प्लस जे आई केयर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 18 आई केयर। ठीक है, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ऐसे बाकी क्या अपन ये दो केस में और करते हैं, तो यहां पे दो केस में कैसे आएगा बेटा, देखिए फटाफट कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। ठीक, तो यहां पर अगर ट्री की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ट्री जो है वो कितना हो जाएगा आपका, यहां पे जीरो है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन कितनी है बेटा यहां पे, कि माइनस 2 आई कैप, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आई कैप। आई बात समझ में, मतलब ओल्ड मैन को जो ट्री है वो अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, कितने से भाई, 2 मीटर पर सेकंड से। अगर यहां बर्ड के लिए बात करें कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की बात करें तो ये आई और जे दोनों में बेटा, तो बर्ड के लिए लिखा मैंने 16 आई के प्लस 12 जे के, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 2 आई के, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, आई केयर में देखा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 18 आई प्लस 12 जे केयर, है ना। ओल्ड मैन को टी जो बर्ड है उसकी वेलोसिटी इतनी मिलेगी। ठीक, या इतना फील होगा। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन क्या होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन, तो क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी, देखें कि वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो कितना है बेटा, 16 आई केयर। ठीक, ओल्ड मैन के लिए बात करें तो माइनस माइनस 2 आई कैप, ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस
18 IK केस 3 में वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो देखिए यहां पे आई में भी है और जे में भी है, दोनों में आएगा ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, इसको वेक्टर में लिखा बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री जो वो तो जीरो हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड करेंगे तो 16 I प्लस 12 J है ना, और आगे क्या लग रहा है इसमें, माइनस लग रहा है। आगे बात समझ में क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालते हैं बॉय की, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो कितना बेटा 69, मैं लिख देता हूं पहले वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो 16 I है, माइनस करेंगे बेटा ये 16 I प्लस 12 J ठीक। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस 12 J, मतलब बर्ड को जो बॉय है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से। अब आगे देखिए लास्ट वाला क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड करेंगे बेटा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन जो माइनस 2 IK पे, माइनस करके वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिखेंगे तो बर्ड क्या कितना आएगा बेटा 16 I प्लस 12 J ठीक। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा बेटा माइनस 18 I कैप और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 12 J कैप। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं रिलेटिव वेलोसिटी NLM या 1D या 2D या किसी भी टॉपिक के फिजिक्स के, तो फटाफट सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसी चैनल पर ठीक है, जो आपके लिए बोर्ड लेवल से लेके ICSE हो, CBSE हो, IB बोर्ड हो या फिर नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एडवांस लेवल तक के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर इस चैनल पर, आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो फिजिक्स बाय राइसर फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन ठीक। थैंक यू सो मच।